सुसन जेफर्स नाम की एक लेडी जो खुद कई तरह के डर से घिरी हुई थी, जब पहली बार क्लास में पढ़ा रही थी वो बहुत घबराई हुई थी। ये लेडी एक साइकोलॉजिस्ट थी और साइकोलॉजी में PhD की हुई थी। बाद में इन्होंने खुद के डर ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के डर को मार भगाया। इन्होंने डर के ऊपर एक बुक लिखी, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। इस बुक की 2 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई। देखते हैं इस बुक की इम्पोर्टेंट लर्निंग्स जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होंगी हमारे फियर को दूर करने में। हमें फियर या डर होता है क्योंकि हमारा माइंड आने वाले डेंजर से अलर्ट करता है। आपके पीछे एक ऑक्स पड़ा है, आपका डरना सही है क्योंकि जान का खतरा है। आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हो पर जब 10 लोगों के सामने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने को कहा है तो आपकी आवाज नहीं निकल रही, आपका मजाक ना उड़ जाए, आपको डर लग रहा है। घर में एक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते हो मगर एग्जाम्स में आपसे वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि आपको एग्जामिनेशन फियर है। ऑक्स वाला फियर आपकी जान बचा रहा है और ये फियर अच्छा है, पर एग्जामिनेशन फियर या लोगों के सामने क्वेश्चन सॉल्व करने वाला फियर आपकी जान ले रहा है या कह लीजिए आपको जिंदगी में आगे नहीं आने दे रहा। वो सारे फियर जो हमें जीने नहीं देते उनसे बाहर आना जरूरी है। जानते हैं फियर से बाहर कैसे आया जाए? फेस द फियर। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार साइकिल चला रहा था मैं कितना डरा हुआ था। कभी मुझे लगता था कहीं गिर ना जाऊं, कहीं टक्कर ना हो जाए, कहीं बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल को कुछ हो गया, ब्रेक टाइम पर नहीं लगी तो कोई मेरे साइकिल के आगे आ गया तो मैं क्या करूंगा और ना जाने क्या क्या। पर आज साइकिल चलाते हुए ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। अब सोचिए ऐसा तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने डर के साइकिल चलाना छोड़ा नहीं बल्कि हिम्मत करके कोशिश की। हमें फियर से भागना नहीं है बल्कि उसको फेस करना है। देखते हैं कैसे। इसके लिए टेक्निक है पेन टू पावर। अपने फियर की ओर हमें धीरे धीरे बढ़ना है। मान लीजिए आपको कॉकरोच से बहुत डर लगता है, कुछ टाइम तक आप गूगल पर कॉकरोच की सिर्फ पिक्चर देखें, थोड़ी देर बाद एक जार में बंद कॉकरोच को देखें, उस जार को टच करके देखें और जब इस सिचुएशन से आप पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाएं, आप कॉकरोच को अपने सामने देखें। शायद इसी तरह एक बच्चा चलना सीखता है, पहले बच्चा सहारे लेता है और बाद में क्रॉल करता है और धीरे धीरे अपने पांव पे खड़ा होकर चलता है। मान लीजिए आपको लोगों के सामने लेक्चर देने में डर लग रहा है, पहले अपने फ्रेंड्स के सामने लेक्चर दीजिए, फिर एक अननोन पर्सन के सामने और धीरे धीरे ज्यादा लोगों के सामने। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने फियर की ओर बढ़ रहे हैं और इसको फेस कर रहे हैं। जब आप अपने फियर पर कॉन्कर कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और नेक्स्ट टाइम ऐसा करना और भी आसान हो जाएगा। फियर को दूर भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सेल्फ डिटरमिंड होके आगे बढ़ना और वो काम करना जिनका हमें डर लगता है। और यकीन मानिए ये उतना मुश्किल नहीं है जितना कि सारी लाइफ फियर के साथ जीना। यूज पेन टू पावर वोकैबुलरी। अगर हम सिर्फ अपने वर्ड्स को पावरफुल कर लें तो हम स्ट्रांग हो सकते हैं और स्ट्रांग पर्सन डर से आसानी से लड़ लेता है। बजाय कि हम कहें कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, हम कह सकते हैं ये कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी है। पेन वोकैबुलरी और पावर वोकैबुलरी। पेन वोकैबुलरी वाला कहेगा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पावर वोकैबुलरी वाला ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने के लिए। बजाय कहने के कि ये मेरी किस्मत में नहीं है, हम कह सकते हैं मैं इससे ज्यादा कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। पेन वोकैबुलरी है ये मेरे दोस्त का फॉल्ट है और पावर वोकैबुलरी है ये मेरा फॉल्ट है, क्योंकि खुद को खुद का फॉल्ट बताना मुश्किल है। कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। हम सभी एक फिक्स्ड माइंडसेट या एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर मुझे आज एक न्यू कंट्री में जाने को कहा जाए तो मैं थोड़ा तो डरूंगा ही। इसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। हम जहां पर कंफर्टेबल हैं, हम वहां से हिलना नहीं चाहते। लेकिन डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है आप कंफर्ट जोन से बाहर आएं। और इसके लिए हमें कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप पार्टी में जाएं, अनजान लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। अगर वो आपसे बात करना नहीं चाहते, आपको सेटिस्फेक्शन होगी आपने ट्राई किया, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नो द रियलिटी। वेरियस स्टडीज से पता चला है हमारे जितने भी फियर हैं less than 10% ही सही प्रूव हो पाते हैं। अपने फियर का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए और आगे बढ़िए। एग्जाम्पल, हमें कॉकरोच से डर लगता है पर जब हमें पता चला कि कॉकरोच तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमारे माइंड से इसका डर खत्म हो गया। इसलिए रियलिटी को जाने। यूज अफर्मेशन। जब हम एक ही चीज बार बार बोलते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। हम अगर कुछ लाइंस बार बार बोलें, सिर्फ ऐसा बोलने से भी फियर दूर हो सकता है। जैसे मैं अपना फियर त्यागने को तैयार हूँ,
मैं अपने उन थॉट्स से ऊपर जाने को तैयार हूँ जो मुझ में डर पैदा करते हैं। ये थे वो सारे तरीके जिससे हम डर को खत्म कर सकते हैं। हमारे एक व्यूअर ने हमारी वीडियो पर कमेंट करके फियर के ऊपर वीडियो बनाने को कहा था। वैसे तो लाल रंग खतरे की घंटी माना जाता है, पर आप इस रेड बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको कोई खतरा या फियर नहीं है, पर हाँ, आपको लाइफ चेंजिंग वीडियोस जरूर देखने को मिलेंगी। तो आज ही शेयर करें इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जिसको जरूरत है अपने डर पे जीत हासिल करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।